मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज मंडी परिसर में आया हूं। मंडी परिसर में मकर संक्रांति पर ऐसा हाय लोगों और निर्धन लोगों के लिए कंबल और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम। मंडी अध्यक्ष संजय कंसल से हम बात करेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि वो निरंतर ऐसे ही सेवार्थ कामों में लगे रहते हैं, लेकिन आज जो वो सेवा कर रहे हैं ऐसी ठंड कड़ाके की ठंड में जो असहाय लोगों की मदद और निर्धन लोगों की मदद के लिए वो कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। वाकई हम कहना चाहते हैं कि ऐसे जो लोग जज्बा रखते हैं वो इस तरीके का कार्य को जरूर करें जिससे कि असहाय और गरीब लोगों की मदद हो सके। चलिए मेरे साथ संजय कंसल्स के पास लेके चलता हूँ, क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से वो निर्धन असहाय लोगों की मदद के लिए जो जज्बा रखते हैं क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। संजय कंसल जो कि सभी का सत्कार कर रहे हैं सभी आने वालों का प्रोग्राम में, और क्योंकि आज पूरा मंडी और लोगों का सम्मान कर रहे हैं उन आने वाले व्यक्तियों का, उन व्यापारियों का, उन निर्धन असहाय लोगों का, क्योंकि ये जो पल हैं और संजय कंसल को हम यूं तो अनेकों सेवार्थ कामों में देखते हैं, लेकिन जो निरंतर सेवा का कार्य है ये कोई जज्बा कभी कभी होता है जो संजय कंसल निरंतर उसको जारी रखे हुए हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं मंडी परिसर जहां मकर संक्रांति पर व्यापार मंडल की ओर से कंबल वितरण और ये मकर संक्रांति पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूं तो संजय कंसल अनेक सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और हमें बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं, लेकिन आज हमने उनको यहाँ पर पकड़ लिया है। पकड़ने का मतलब है कि आज वो निर्धनों की सेवा कर रहे थे, यजमान जो आए हैं उनको कंबल वितरण कर रहे हैं। तो सर ये क्या कह सकते हैं क्योंकि संजय कंसल हम देखते हैं कि इस तरीके के कामों में व्यस्त रहते हैं। ये प्रभु का आशीर्वाद है कि प्रभु ने सब समाज की सेवा के लिए मुझे चुना है और मेरा यही प्रयास रहता है सबकी सेवा करूं। और ये मकर संक्रांति के पक्ष में आज कंबल वितरण और खिचड़ी वितरण समारोह हुआ है और सभी मेरे व्यापारी भाइयों का सहयोग मेरे साथ में रहता है, इन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ कर पाता हूँ। अच्छा, हम देखते हैं कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत होती है लेकिन वो केवल एक दिवसीय होती है, खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपका जो एक कार्यक्रम है मकर संक्रांति पर निर्धन और असहाय लोगों को मदद करना, कंबल बांटना, ये वाकई एक सराहनीय काम है। इस पर क्या कहना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी क्या कहना चाहते हैं जो कि इस काम को करना चाहिए? समाज के कार्य के लिए सबको आगे आना चाहिए, जो भी सेवा हो सकती है, निर्धन व्यक्ति किसी रूप में भी सेवा हो सकती है, सब करनी चाहिए। बस इसी मतलब छोटा एक सामान्य व्यक्ति हूँ और जो कोशिश होती करता हूँ। ये संजय कंसल जी कह रहे हैं ये मैं कुछ नहीं कराता, ये तो सिर्फ केवल प्रभु और परमात्मा कराते हैं, मेरा तो केवल एक साथ होता है, मेरे साथ जितनी मेरी टीम है ये खड़ी हुई है, मौजूद है, इन सबके सहयोग से ही ये कार्य सफल हो पाता है। और क्या कहना चाहते हैं उन निर्धन व्यक्तियों से और उन लोगों से जो समाज के प्रति अपना कुछ जज्बा रखते हैं और निकल कर आना चाहते हैं? तो सब आगे बढ़े और जहां मेरी आवश्यकता हो सबके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। संजय कंसल कह रहे हैं कि संजय कंसल उनका भाई किसी भी निर्धन व्यक्ति या कोई असहाय व्यक्ति है तो उसके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, ये नहीं कोई पर्व। सब कंबल वितरण कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड में व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय कंसल सभी को कंबल वितरण कर रहे हैं, यजमान को। और बाकी ये वो पल हैं जो कि हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि सहायता नहीं कह सकते। ये सभी मंडी के लोग हैं और मंडी व्यापार मंडल, और ये सब